वेलकम टू माय चैनल एडनीत। घर गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया रेड बटन दबाकर, ये फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उड़द दाल जलेबी। ये खाने में टेस्टी और क्रिस्पी है, साथ में सेहत के लिए भी अच्छी है। लेट अस स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, चीनी, नींबू का रस, उड़द दाल का पेस्ट, इलायची व बेकिंग सोडा। पहले चाशनी बना लेते हैं। हमें एक ताक की चाशनी बनानी है, इसके लिए हम एक बर्तन में 3 कप चीनी व 2 कप पानी डाल के पकाएंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल देंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हमें इसे हिलाते हुए पकाना है जब तक कि ये बॉयल ना करने लगे और इसमें चीनी मेल्ट ना हो जाए। इसमें दूध क्लिंजर का काम करता है, वो चीनी की गंदगी को ऊपर झाग के रूप में ले आएगा, जिसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि चाशनी उबल रही है और इसके ऊपर झाग भी आ गया है, तो हम गैस कम करके ये झाग निकाल लेंगे। अब हम चाशनी को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चाशनी थिक हो चुकी है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए हम इस तरह से 1-2 ड्रॉप्स अपने हाथ में लेंगे और अपने अंगूठे और उंगली के बीच से इस तरह से चेक करेंगे। अगर एक तार बन रही हो तो चाशनी रेडी है। ये चाशनी रेडी हो गई है, तो हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और हम इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे 3 से 4 चम्मच, ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो। आइए अब जलेबी भी तैयार कर लेते हैं। हम 1 कप मैदा लेंगे, 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप उसे डालना चाहते हो तो इस वक्त वो भी डाल लें। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाएं। अब हम इसमें धुली उड़द दाल का पेस्ट डालेंगे। उड़द दाल पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1/4 कप धुले उड़द दाल को 2 घंटे पानी में डिप किया और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ लगभग 3/4 कप पानी यूज़ किया है। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेंगे। फेंटने से ये मिश्रण लाइट और स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। जलेबी का मिश्रण रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। आपको भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी बनानी है। जलेबी का बैटर तैयार हो गया है, तो इसे तलने के लिए हम देसी घी कढ़ाई में लेके गरम कर लेते हैं। आप देसी घी की जगह कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। जलेबी तलने के लिए हम बैटर को कोन में ले लेंगे। अगर आपके पास कोन नहीं है तो मेरी तरह आप इसे पॉलीथीन बैग में डाल लीजिए। बैटर डालने के बाद हम लिफाफे पे गांठ मार लेंगे। जलेबी बनाने के लिए हमारा कोन रेडी है। घी फ्राई करने के लिए रेडी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे और ये गर्म हो चुका है, तो अब हम जलेबियाँ तल लेते हैं। हमें जितनी मोटी जलेबी रखनी है उसके अनुसार हम इसमें छेद कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा छेद ना करें, नहीं तो जलेबी क्रिस्पी नहीं बनेगी। थोड़ी देर में जलेबियाँ पलट लेंगे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। जलेबियों को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। जलेबियों को बीच बीच में पलटकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जलेबियां गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जलेबियों को प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर इसमें रहने देंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल प्लेट में ही रह जाए, और फिर जलेबियों को चाशनी में डिप कर लेंगे। जलेबियों को लगभग 2 मिनट के लिए चाशनी में डिप रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। रेडी है हमारी क्रिस्पी, टेस्टी और हेल्दी उड़द दाल जलेबी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मोहितो सिरप की रेसिपी जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। टिल देन, बाय।